像遗书，得不到。Hello everyone, good morning. 天气也该是好出来，而今天突然是 fresh 出来，而我们准备早餐吃的。好，嗯，姐。ये उठाओ ग्लासेस तो उठाओ दिखाओ मुझे ग्लासेस पहननी ग्लासेस पहननी लो पहनाओ इधर लाओ इधर देखो असलान असलान इधर देखो लो हाँ जी ग्लासेस पहना दो असलान इधर देखो असलान असलान इधर देखो असलान इधर देखो असलान खुद का जो है वो मेरा फ्रेंच टोस्ट खाने को दिल कर रहा है तो मैं फ्रेंच टोस्ट बनाने लगी हूँ अपने लिए गाइस मैं आपको ना एक चीज़ बताती हूँ कि ना सबसे मुश्किल जो है ना वो काम होता है अभी भी किचन में जो मुझे लगता है कि जब बॉक्स के अंदर ना कोई चीज़ डालनी होती है जैसे कि मसाला या वैसे मसाले ज़्यादा मुश्किल होता है अगर चीनी वगैरह या कोई मतलब कि मोटी चीज़ हो तो वो आसान होती है लेकिन ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली है और आज की अचीवमेंट ये है कि मैंने चीनी जो है वो बड़े ध्यान से अच्छे तरीके से इसके अंदर डाल दी है गुड फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं आज जो मेरे साथ हुआ है ना अभी तक मेरा दिल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है वो हुआ कुछ ये कि मैं टोस्ट बनाने लगी थी उससे पहले जो मैंने फ्राई एग्स किए थे उसके साथ मैंने थोड़ी सी ब्रेड खाई थी और वही ना मुझे सही नहीं लग रही थी जैसे कोई पता नहीं लगे मुझे लगा शायद मैंने गर्म नहीं किया इस वजह से ऐसा टेस्ट आ रहा है बट मैंने अभी ये एग फेंटा था चीनी डाल के फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए और जब मैंने ये वाला साइड डिप कर दी तो तब मुझे पता लगा कि ये ख़राब है ब्रेड उली लगी हुई है यार कसम से और जो है वो इसकी एक्सपायरी डेट भी 20 है तो इसका मतलब मैंने एक्सपायर ब्रेड खा लिया यार हैदर आप देख के नहीं लाए हो ब्रेड हैं हैदर नहीं अब उसके पास वापस लेके जाएं तो कल भी अगर आप लेके आते तो उसने एक्सपायर दे दिया उसको खुद बंदे को खुद तो पता होता है यार चार दिन पाँच दिन की आई हुई है पहले तो हो गया जो होना था देखते हैं कोई रात की रोटी पड़ी है उसके साथ मीठा अंडा खा लेते हैं अब फाइनली हमें गुजारा करना पड़ेगा मीठे अंडे और रात की रोटी पे चलें जी शुक्र है फिर भी अल्लाह का आज मैंने बड़ी ही मुश्किल से नाश्ता किया है मतलब कि आज तो मेरे साथ प्रैंक हो गया तो अब जो है वो 2:30 बज रहे हैं ये असलान के नैप का टाइम है मैं असलान को सुलाने जा रही हूँ चले उसको सुलाते हैं हाँ जी लेट गए आप असलान असलान फुल नींद में है असलान को मैंने सुला दिया और जैसे कि आज मैं नाश्ता भी नहीं सही किया तो मैं सोच रही हूँ मैं आज टाइम से खाना बना लूँ चिकन की ग्रेवी बनाएंगे और अभी फ़िलहाल जो है वो मैं आए तो कुछ थोड़ा सा और खाने के लिए दूंगी उसको तैयार करूंगी और फिर उसके बाद मैं उसको ट्यूशन भेज दूंगी चलो जी सारे काम निपटा और यहाँ जी मैंने अपना ऑफिस का काम शुरू कर दिया था मैंने कहा मैं इस चीज़ को भी रिकॉर्ड कर लूँ ताकि बहुत से लोगों को मोटिवेशन मिल सकती है और इस टाइम ये टाइम मेरा बहुत ही अच्छा होता है काम करने का बिकॉज असलान सो रहा होता है और आयत को मैंने ट्यूशन भेज दिया था अभी मैं उसके ट्यूशन जाते का रिकॉर्ड नहीं कर सकी आने वाले वीलॉग्स में करूँगी बिकॉज आज मेरे पास टाइम बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट था मैंने जस्ट मेरे पास बिल्कुल भी ये टाइम नहीं था कि मैं कुछ और रिकॉर्ड कर सकती बीच में मैं यहाँ पे उठी थी मैंने चाय बनाई थी और बहुत ही ज़्यादा मुझे इस टाइम मिला था चाय पीने का बट चाय के बगैर मेरी बिल्कुल भी जो है वो मोटिवेशन स्टार्ट नहीं होती है मैं बहुत फोकस होकर आज अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़्यादा बहुत ही इम्पोर्टेंट काम कर रही थी
बहुत से लोग इंटरेस्टेड होंगे जानने के लिए। मैं अभी फ़िलहाल यूट्यूबिंग के साथ वर्क फ्रॉम होम करती हूँ और मुझे वो एक स्पेसिफ़िक टाइम जो है वो उसको देना होता है और दैट्स वाई ये मेरे डेली रूटीन का जो है वो पार्ट है। और ये जी मेरा डिनर था, इतनी मेहनत के बाद ये डिनर तो बनता था। खैर ये मेरा मोस्ट फेवरेट डिनर है। ऐसे डिनर के बाद तो इतना मुश्किल दिन गुजारने के बाद मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है और खैर मुझे ये मीठा बनाते हुए बहुत ज़्यादा रमज़ान की भी याद आ रही थी क्योंकि यूजुअली हम लोग मतलब कि ये रमज़ान में खाते हैं। सो या और अगर मैं चाय पी लेती रात को तो मेरी सारी नींद उड़ जानी थी, जो कि मैं नहीं चाहती कि मेरी रूटीन ख़राब हो। सो दैट्स वाई आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ, देखते रहें आप लोगों को पता लग जाएगा। वैसे क्योंकि मैंने ये बोला कि ये मीठा बना के मुझे रमज़ान की बहुत याद आ रही है, तो आई होप कि मुझे जब तक मैं इसको बनाऊँगी तब तक काफ़ी लोग गेस्ट भी कर चुके होंगे। अगर आप ये डालने से पहले ही गेस्ट कर चुके हैं पूरा फाइनल होने से पहले, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और लेट्स सी कौन किसने सही बताया। हाँ जी जी बिल्कुल ठीक, जिन्होंने भी लिखा है फेनिया, मेरा खाने को दिल कर रहा था, एक्चुअली मीठा खाने को दिल कर रहा था, बट या ये मेरे पास रमज़ान की पड़ी हुई थी थोड़ी सी क्योंकि इतनी ज़्यादा मेरे से खाई नहीं गई, रूटीन बहुत टफ थी। और दूसरा मैंने एक दो दफ़ा बनाई थी तो बच्चों ने इतने शौक से नहीं खाई, सो इस वजह से फिर मैंने इतनी ज़्यादा नहीं बनाई। जस्ट यहाँ पे मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और गर्म दूध के अंदर डाल के उसको थोड़ी देर रखा था और बिल्कुल सही मकसद के उसका बन गया था। ये देख लें आप लोग, बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गई है। चलें अब उसको किसी बाउल में डालते हैं और खाते हैं और बस फिर सो जाते हैं। ओके गाइस, आज बहुत 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 ही ज़्यादा काम था मुझे, सो इस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। अब मैं वीलॉग को इधर एंड करूँगी, मिलते हैं कल एक न्यू वीलॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।